राम राम। अगर तुम लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो या फिर अब करने का सोच रहे हो और तुम्हारे मन में ये डेली फीलिंग आती है कि कल से स्टार्ट करेंगे कल से स्टार्ट करेंगे, यकीन मानो तुम्हें वो चीज़ करनी ही नहीं। फिर अगर जिस समय तुम्हारे मन में ये बार बार चीज़ें आ रही ना कल करने की या फिर किसी चीज़ को टालने की, तो तुम वो चीज़ मेरे हिसाब से तुम छोड़ ही दो क्योंकि तुम्हारे लायक है नहीं। देखो, अगर कोई भी काम तुम वाकई में दिल से करना चाहते हो ना, तो तुम्हें ना तो किसी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और ना ही किसी दूसरे आदमी की जो तुम्हें आके चिल्लाए कि चलो कल लो चल के, ये कभी ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर तुम कुछ चीज़ें कल पे टाल रहे हो, इसका मतलब वो चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं या फिर उन चीज़ों से तुम्हें उतना ज़्यादा रिलेट तुम कर नहीं पा रहे हो या फिर वो चीज़ें तुम्हें चाहिए नहीं, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि तुम लोग कई दिन से पढ़ाई कर रहे थे, बीच में ब्रेक ले लिया है, अब तुम्हें लग रहा है कि अब पढ़ेंगे, अब फिर से वही प्लानिंग जीरो से शुरू हो रही है कि कल से पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे कल से पढ़ेंगे। तो जिनके मन में भी ये बार बार चुल उठती है कल पढ़ने वाली, तो उनको हम एक चीज़ समझा देते हैं आज कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि कल पढ़ेंगे, आज रहने देते हैं, कल से तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो मेरे हिसाब से तुम्हें वही बेस्ट टाइम होता है तैयारी करने का। जब तुम्हारे मन में ये ख्याल आ रहा है कि कल से करेंगे तैयारी, जिस समय ये ख्याल आ रहा है वही समय बेस्ट होता है तुम्हें तैयारी करने के लिए। और यकीन मानो उसी समय से अगर तुम तैयारी शुरू कर देते हो तो तुम अपने ये जो दिमाग है इस पर कंट्रोल अपना बना लेते हो और ये बहुत मदद करता है। तो इसलिए जब भी तुम्हारा कभी भी पढ़ाई में, सबका मन होता है कभी कभी कि आज नहीं कल से करते हैं, या एक दिन महीने में हो गया चलता है, 2 महीने में 2-4 बार हो गया चलता है, लेकिन हर दूसरे दिन अगर ये हो रहा है तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आगे जाके तुम्हारा जहर बन जाएगी, तुम्हें और कुछ नहीं। तो जब भी तुम्हें ये बार बार, क्योंकि तुम्हारे लिए ज़रूरी भी है पढ़ाई करना, तुम्हें ये पता है, तो तुम्हें जब बार बार ये फील होने लगे कि यार अंदर से वाई बाहर आई है कि यार अब कल से करेंगे, आज रहने देते कल से करेंगे, बार बार तुम्हें ये लग रहा है, तो तुम्हें बस एक छोटा सा काम इतना ही करना है कि जिस समय ये चीज़ें तुम्हारे अंदर से आ रही हैं, जो लुट रही है इस चीज़ की, उसी समय तुम्हें तैयारी शुरू कर देनी है। जब भी तुम्हें रात के 12 बजे भी अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी नींद में आराम से, आज नींद छोड़े से सोते कल से तैयारी शुरू करेंगे, तो जिस समय ये ख्याल आ रहा है ना, उठो 2-4 घंटा पढ़ो फिर सो। यकीन मानो जिस समय जिस चीज़ का मन ना हो उस समय अगर वो चीज़ कर देते हो तो तुम्हारी यहाँ पे पकड़ मजबूत बन जाती है। और आजकल हो क्या रहा है, आजकल हमारा दिमाग हमको कमांड दे रहा है, यही दिक्कत हो रही है। जिस समय हम उसको कमांड देने लगेंगे चीज़ें अपने हाथ में आ जाएंगी। तो जब भी किसी भी चीज़ में, हम बता रहे हैं किसी भी चीज़ में, जब यहाँ पे कंफर्टेबल होने की स्थिति ये बनाए मन, उसी समय उसको तोड़ दो। जब भी किसी भी चीज़ में कंफर्टेबल होकर बनाए, वो कहे कि तुमसे गद्दे में लेट के पढ़ के मज़ा आ रहा है यार, तो तुरंत बैठ जाओ, तुरंत चेयर कुर्सी लो, चेयर कुर्सी बात एक ही हो गई, चेयर टेबल लो, वहाँ पे बैठ जाओ। मतलब जो भी चीज़ों के लिए ये तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये अच्छी सलाह दे रहा है कि भैया मज़ा आ जाएगा इसमें, वो चीज़ करो ही मत। अगर कह रहा है कि अभी सोते कल सुबह से पढ़ेंगे, 4 घंटा दबा के पढ़ो पहले। और ये छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, अभी समझ में आती नहीं क्योंकि क्या यार फालतू की बकवास कर रहे हैं, ये सब बता रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें एग्ज़ाम में इतना इफेक्ट डालती हैं तैयारी में कि तुम्हें पता भी नहीं इस बात का। इसलिए जब भी तुम्हारा ये मन हो कि मन नहीं कर रहा है कल से करेंगे, यकीन मानो वही समय होता है वो चीज़ करने का, और वही समय होता है उस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म भी करने का, क्योंकि अगर तुमने उस समय वो चीज़ शुरू नहीं करी तो वो कल 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 कटता ही रहेगा और फिर वो चीज़ें वापस आती नहीं कभी। इसलिए कल पे कोई चीज़ मत डालो, वरना पछताओगे बस और कुछ नहीं। कब तुम्हारा 1 साल चला जाएगा, 2 साल चला जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। राम राम, जय हिंद।